हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑटो कैड ट्यूटोरियल। ऑटो कैड ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज हम क्रॉस सेक्शन ड्रेन का बनाएंगे, जो कि जैसा आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे पहले बना के रखी हुई है ड्राइंग। तो अब हम इसी ड्राइंग को फिर से बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। सबसे पहले हमने क्या करना है, देखो इसकी डायमेंशंस यहाँ पे है, ये सारी डायमेंशंस एमएम में है, 1200 एमएम, ठीक है ना। 1200 एमएम की एक लाइन लेनी है हमें सबसे पहले, ठीक है। ये ड्रेन का क्रॉस सेक्शन है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लाइन, हमने लाइन की डिमांड लेनी है। लाइन की डिमांड के लिए तो हमने लाइन कमांड लेनी है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म एल होती है, ठीक है। एल इंटर, और इसकी डायमेंशन कितनी लेनी है, यहाँ पे दी हुई है 1200, ठीक है। 1200 एमएम लेनी है, इंटर, ठीक है। उसके बाद हमने इसे हाइट दे देनी है, VSC प्लस, ठीक है। हाइट इसकी टोटल कितनी है, 510 प्लस 100, टोटल 610। तो फिर से हमने लाइन कमांड लेनी है, इंटर, 610 की एक लाइन लेनी है, ठीक है ना। 610, इंटर, ओके। अब यहाँ पे आप देखो, ये 610 की लाइन ले ली, अब ये 300 लेना हमने, 300, ठीक है ना। तो फिर से हमने 610 माइनस 100 है ना, 610 आ जाना है, 610, इंटर, ठीक है ना। अब हम चाहें तो इसकी मिरर कमांड भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, अगर हमने मिरर कमांड यूज़ करनी होगी तो मिरर, इंटर, हम इसे मिरर कमांड से भी इजीली बना सकते हैं ये, ठीक है ना, इंटर। हमने डिस्टेंस लेना है, ठीक है। ये देखो, ये मिरर कमांड से हमने इसे बना दिया। यहाँ पे नो कर लेना है, क्योंकि पुरानी इमेज भी हमें चाहे। तो अब हमारा दूसरा स्टेप क्या है, ये दोनों स्टेप हमने बना दिया। अब हमारा दूसरा स्टेप है, हमने ये एरिया बनाना है, ये वाला, जिसकी डायमेंशन कितनी है, 100। तो हम ऑफसेट ले लेते हैं, ऑफसेट, इंटर, 100, इंटर, ठीक है ना। 100 का ऑफसेट लेना हमने इस लाइन से, इस लाइन से, इस लाइन से, ठीक है ना। फिर हमने इसे ट्रिम कर लेना है, ट्रिम, ये एरिया करना है और ये एरिया भी ट्रिम करना है। देखो, ये हमारी साइड वॉल्स आ गई ड्रेन की, ठीक है ना, और ये इसका बॉटम आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें इसके बाद इस लाइन, ये जो 4 सेंटीमीटर ठीक है, ठीक है, इसे शो करना है। इसका कितना है, 4 सेंटीमीटर, मतलब 40 एमएम। तो फिर से हम ऑफसेट ले लेते हैं, इंटर, 40, इंटर, ठीक है ना। इसका 40 एमएम का एक ऑफसेट ले लिया। फिर इसे हम ट्रिम कर लेते हैं, जो बाकी इस लाइन को और इस लाइन को हमने ट्रिम कर देना है। जब हम इसे ट्रिम कर देंगे, इसके बाद हमने क्या यूज़ करना है, हैच कमांड, ठीक है। ये इसमें मटेरियल डालना है, हैच का शॉर्ट फॉर्म हैच आता है, इंटर, ठीक है। और ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसका स्केल दिया हुआ होता है, हम यहाँ पे रख लेते हैं इसको 30, ठीक है, जो डिस्टेंस होता है, ताकि इसमें ये शो हो। तो हम ये AR कंक्रीट डाल देते हैं इसमें, ठीक है। ये इसमें भी डाल देते हैं, इसमें भी डाल देते हैं, इसमें भी डाल देते हैं, लेकिन ये स्केल थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिखता है, तो हम क्या करते हैं, इसमें 5 का रख लेते हैं, 5 का शायद सही रहेगा, हाँ 5, 10 का देख के करते हैं, 10, इंटर, 10 का ठीक है थोड़ा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हमने वापस आ जाना, ये देखो हमारी डायग्राम बन गई, क्रॉस सेक्शन इसके ड्रेन की जो है बन गई। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम
पहले एम टेक्स्ट एडिट करते हैं, उसके लिए हम एक लाइन ले लेते हैं। पहले हमें शो करना है, सबसे पहले हमें यहाँ शो करना है, इसे शो करना है, तो हम ये ले लेते हैं, ठीक है ना। एक दूसरी चीज़ हमें शो कौन सी करनी है, ये वाली, ठीक है ना। उसके लिए भी हम लाइन को मार लेंगे इंटर, ये इसके सेंटर से लेंगे, यहाँ तक भी आते हैं से। और तीसरी चीज़ हमें शो करनी है ये वाली, ठीक है ना। चौथी चीज़ है इसमें क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। क्रॉस सेक्शन में हम बाद में लाइन लगा देंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, एम टेस्ट, ठीक है, एम टेस्ट, जब टेस्ट एडिट करने के लिए, एम टी इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो फिर उसके बाद हमने यहाँ पे इसे ये कर दिया, ये देखो शो कर दिया ना यहाँ पे। और फिर यहाँ पे हमने क्या, इसमें हाई टेक्स्ट की डाल देते हैं हम, 30 रख लो इंटर, ठीक है। हम कुछ भी डाल के टेक्स्ट को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। हमारा टेस्ट एडिट हो चुका है, ठीक है ना। अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं, सीओ कॉपी की कमांड रहती है, इंटर इंटर। इसे मूव कर देते हैं इंटर, यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है ना। अब हमें इसे एडिट करना है, ठीक है। फोर्टी एट रख लेते हैं, तो सी जो हमारा रेशियो इसमें यूज़ होगा 1:3:6 का रेशियो यूज़ होगा, ठीक है। इसकी हाइट मेरे को थोड़ी सी कम लग रही है, और इसे हम मूव करके अच्छे से प्लेस कर देते हैं ये। और इसकी हाइट थोड़ी सी कम है, इसकी हाइट थोड़ी और बढ़ानी पड़ेगी हमें, ठीक है। यहाँ 40 की जगह हम इसे 60 कर देते हैं, मे बी 60, ठीक है। यहाँ पे भी हमें हाइट इसकी 60 देनी है, इंटर करना है। तो इसका कितना है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, इसमें जो हमारा रेशियो यूज हो रहा है 1:2:4 हो रहा है। मशीनरी वर्क, ठीक है।
इसमें भी सेम यूज़ करना है हमें, यहाँ पे स्केल 60 का यूज़ करना है, 60 mm का हाइट दे देना है। उसके बाद जो इसमें रेशियो यूज़ होगा 1:5:10 का रेशियो यूज़ होगा। तो यहाँ तक हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। इसकी हाइट हम 90 कर देते हैं, इसकी हाइट हम 90 रख देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा हमें बड़ा अच्छा है, क्रॉस सेक्शन हमने यहाँ पे इसको सेक्शन ऑफ ट्रेन, और इसको थोड़ा सा मूव कर देते हैं। देखो यहाँ तक हमारी ड्राइंग बन गई, इसमें एक लाइन ले लेते हैं, ये जो थोड़ा एक्स्ट्रा है उसे हम काट देते हैं। और अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी डायमेंशन शो करनी है। डायमेंशन की शॉर्ट फॉर्म DIM रहती है, ठीक है। इंटर पॉइंट लेना है, सबसे पहले हमने इस लाइन को लेना है 1200, फिर हमने ये टोटल हाइट देखना है 610, इसकी 100, ये 300, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखो, ये नई सेम ड्राइंग बनाई है, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन है ड्रेन की। तो फ्रेंड्स, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। तो ये हमारा था क्रॉस सेक्शन ड्रेन का। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।